हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपको इस फेस्टिवल सीजन कौन से कंपनी के बाइक या स्कूटर को परचेज करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आऊँ जिससे आप अपना डिसीजन बनाने में आसानी होगी आपको कि आपको कौन सी कंपनी के व्हीकल को परचेज करना चाहिए और कौन सी कंपनी के व्हीकल को नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और काफी सारी कंपनी है उन्हें जो है यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह भी जो है देने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप आज के टाइम में मार्केट में जाओगे और जगह जगह शोरूम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है अपने हिसाब से मार्केट में ऑफर वगैरह लेके आ चुकी है जिनका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मोस्टली लोगों को यही रहता है कि भाई वो पूरा साल सिर्फ इंतजार करती हैं दिवाली के लिए ताकि वो दिवाली धनतेरस पे जो है अपनी मनपसंद बाइक या स्कूटर को परचेज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने डिसीजन को जो है आसान कर पाओगे। देखो दोस्तों, जब भी आप मार्केट के अंदर नया बाइक या स्कूटर को परचेज करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है। आप देखते हो कि किसी कंपनी के स्कूटर के अंदर आपको कुछ फीचर्स प्लस मिलेंगे तो किसी कंपनी के में कुछ कम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो फीचर्स आपको जुपिटर 125 के टॉप वेरियंट में देखने को मिलेंगे वो आपको होंडा एक्टिवा 125 में देखने को नहीं मिलते। तो इसी तरीके से आपको जो हमारी मार्केट में अलग अलग टाइप के स्कूटर्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप की बाइकें देखने को मिलती है जिनके अंदर उनकी अपनी खुद की खासियत होती है और किसी के अंदर खुद की जो है भाई कुछ बुराइयां भी होती है। तो अब ये चॉइस दोस्तों आपकी होती, आपके ऊपर होती है सारी बात की आपको कौन सी बाइक या स्कूटर को परचेज करना चाहिए। मेरा जो भाई सिंपल सा मानना है, मेरी जो एक सिंपल सी जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये चीज जो आप अपने ऊपर अप्लाई करना। अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को भी भाई अपने घर पे जो है नया व्हीकल या बाइक या स्कूटर कोई भी परचेज करता है, उससे पहले जो है भाई वो अपने फ्रेंड्स से या अपने रिश्तेदारों से पूछता है और फिर वो जो उसको सजेशन देते हैं उसके बेस पे मोस्टली लोग भाई यही करते हैं और इसी बेस पे जो है वो बाइक या स्कूटर उठा लाते हैं। और कुछ टाइम चलाने के बाद उनको ये चीज का पता चलता है कि एक्चुअली में उन्होंने जो चीज ली है उसको चलाने में उनको तो बिल्कुल भी मजा आ ही नहीं रहा, उनके जेब से पैसे भी चले जाते हैं और वो जो है अपनी लगाए हुए पैसों का आनंद भी नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए स्कूटर, मैं स्कूटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बाइक का भी समझ सकते हो। अगर आपको ये चीज गाड़ी पे अप्लाई करनी है तो आप गाड़ी पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको इस कंपनी का स्कूटर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अब काफी सारे जो ऑप्शन है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 125 सीसी के अंदर आपको बहुत सारे स्कूटर देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको एक्सेस 125 मिल जाएगा, जुपिटर 125 है, एक्टिवा है 125, डेस्टिनी आ चुका है मार्केट के अंदर, तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। वो सारी चीजें तो ठीक है, आप जो है अपना डिसीजन जब बनाते हो तो उस टाइम पे आपको रहता है आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है, यार उस स्कूटर के अंदर ये फीचर प्लस मिल रहा है या इसकी क्वालिटी बेकार है या इसका इंजन परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी बेकार है वगैरह वगैरह, आप बहुत सारी चीजें देखते हो तब जाके आपका डिसीजन बनता है। लेकिन उसके बाद भी काफी लोगों के मन में जो है ना एक डर सा रह जाता है कि भाई अगर मैंने ले लिया और कल को आगे चल के इसके स्पेयर पार्ट ना मिले तो या इसके बॉडी पैनल ना मिले तो क्या होगा। तो उस चीज को लेके मैंने जो है ये वीडियो जो है मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आप लोगों से बात करूं। तो सबसे पहले तो चाहे आप किसी बड़े शहर में रहते हो या किसी छोटे गांव के अंदर, सबसे पहले आपको क्या देखना है। आप देखो दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि आपने जो है नया स्कूटर परचेज कर लिया और आप जो है उसको हमेशा सर्विस सेंटर से ही जो उसकी मेंटेनेंस या सर्विस वगैरह कराते हो। जब तक मेंटेनेंस और जो भाई सर्विस है कंपनी की, जो फ्री सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करती है, तब तक तो मोस्टली लोग जो भाई वो सर्विस सेंटर विजिट करते हैं लेकिन उसके बाद सर्विस सेंटर विजिट करना छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि भाई लोग आफ्टर मार्केट जाते हैं बाइक या स्कूटर की सर्विस कराने और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम वही आती है उन लोगों को, क्योंकि वो ऑफर के चक्कर में या जो है यूनिकनेस के चक्कर में एक ऐसे प्रोडक्ट को उठा लेती हैं जिसके मार्केट के अंदर स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते या उन पार्ट्स को आने में काफी टाइम लगता है या ओईएम
पार्ट्स वगैरह आपको जो है देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो आपको जो है इस टाइप का कोई भी स्कूटर या बाइक को नहीं परचेज करना है। और दूसरी बात यह है कि भाई जब भी आप अपने बाइक या स्कूटर को परचेज करने जाओ तो उससे पहले एक बार जहां पे भी आप रहते हो, जो भी आपकी होम लोकेशन है, उसके आप जो है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है ये चीज चेक कर लो कि आपके वहां जो है लोकल मैकेनिक की मार्केट कौन कौन सी है और उन मार्केट के अंदर मोस्टली कौन कौन सी कंपनी के बाइक या स्कूटर मोस्टली रिपेयर होने आते हैं। मान लीजिए कि आपके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी आपकी जो मैकेनिक रिपेयर शॉप्स हैं उन पे आप जाके विजिट करके देखना, या जो आपके वहाँ होलसेलर बैठते हैं जो स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं उनसे जाके आप बात करना कि मार्केट के अंदर कौन सा स्कूटर का जो है सबसे ज्यादा स्पेयर पार्ट बिकता है या कौन सा ज्यादा स्कूटर सबसे ज्यादा चलता है। वो जो चीज आपको बता देंगे ना भाई, तो उस चीज से जो आप अपना डिसीजन बना पाओगे बहुत ज्यादा इजीली, क्योंकि मार्केट में जो चीज चलती है उसी का सामान भी बिकता है। और आप जो है दिवाली के या धनतेरस के डिस्काउंट के चक्कर में कोई ऐसा प्रोडक्ट ना उठा लोगी जिसका आपने सस्ते में तो वो चीज उठा ली, आपने जब नए लेते टाइम उसको देखा कि उसके अंदर फीचर भी बढ़िया मिल रहे हैं, पावर भी ज्यादा, पिकअप भी ज्यादा, वो सारी चीजें आपने देख ली उसकी मोटी मोटी, और आपने जो है भाई बाद में आपका डिसीजन आपको पड़ा आपका भारी कि आप जब उसको सर्विस सेंटर जा रहे हैं सर्विस कराने, तो उसके सर्विस कॉस्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, बाहर उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, और अवेलेबल भी है तो वो OEM नहीं है। तो इस केस में आप जो है उन जो आपके जो वेंडर है या जो वहां पे जो शॉपकीपर बैठे हैं होलसेलर, उनसे पूछना वहां जाके कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, वो आपको मार्केट की जो है उनको भाई मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, वो आपको बता देंगे एक मिनट के अंदर, आपको यूं बता देंगे मार्केट के अंदर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा चल रहा है और इस कंपनी का बेकार। तो आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपने आसपास भी देखना कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा किस कंपनी के टू व्हीलर ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की बाइक ज्यादा बिक रही है तो आपको उस कंपनी की बाइक ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है कल को मान लो अभी तो आप सर्विस सेंटर से सर्विस कराओगे, लेकिन भाई कोई भी जो है वो जब तक उसके साल खत्म नहीं होते या जब तक भी वो रखता है, वो हर बार ही तो भाई सर्विस सेंटर पे जाता नहीं है, एक टाइम के बाद भाई सब लोग जो है वो सर्विस सेंटर छोड़ के लोकल मैकेनिक पे ही जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं से जो अपनी बाइक या स्कूटर की सर्विस कराते हैं। तो आप जाके देखो और किसी ऐसे मैकेनिक को पकड़ो जो कि आपको लगे कि भाई ये दिन की काफी सारी गाड़ियों को रिपेयर करता है, या मतलब कि इनके यहाँ काम अच्छा चलता है, तो वहां उनसे जाकर पूछो, उनसे उनकी सलाह लो भाई उन लोगों से, ताकि वो आपको बता सके कि जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है वो कौन सा बेहतर चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को भाई ज्यादा समझ होती है, क्योंकि जिस कंपनी का स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस चीज की कल को रीसेल वैल्यू भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज एक्टिवा है, एक्टिवा का आपको पता है भाई एक्टिवा ने पूरे इंडियन मार्केट पे अपनी बहुत तगड़ी पकड़ बना रखी है, और कल को आप एक्टिवा को सेल भी करते हो, आपको चलाने पसंद नहीं भी आई तो भी वो तुरंत बिक जाएगी। क्यों बिक जाएगी भाई? क्योंकि एक तो भाई होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो पूरे इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आप कहीं चले जाओ। ऐसा ही सेम जुपिटर के साथ भी, भाई जुपिटर ने भी जो अपनी ऐसी मार्केट बना रखी है, जुपिटर के भी स्पेयर पार्ट मोस्टली जगह पे जो है अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप जाते हो भाई यामा, सुजुकी या फिर कोई हीरो के या किसी भी ब्रांड के ऐसे मॉडल की तरफ चले जाते हो जो कि पहले मार्केट में आता था लेकिन अब नहीं आता, और आप जो है उसको फेस्टिवल सीजन या जो है नवरात्रे के चक्कर में जल्दी उठा लेते हो, डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसे वाले मॉडल से भी जो भाई आप बच्चों दूर रहो, ऐसे मॉडल को परचेज मत करो, क्योंकि ये जो भाई आगे चल के आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे आपके लिए, ये कोई सेंस नहीं बनाते भाई आपको खरीदने का, चाहे आप 2 पैसे एक्स्ट्रा दे के या 2 पैसे ज्यादा की किस्त बनवा के जो है एक अच्छी कंपनी के बढ़िया रिलायबल प्रोडक्ट को खरीदो, जिसके कल को आप मार्केट में बेचने भी जाओ तो भी आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिले और आपके जो पैसे हैं वो भी बर्बाद ना जाए, उसमें आपको माइलेज भी, फीचर भी, कल को कहीं खराब भी हो जाती है चलते चलते तो आपको कम से कम ये तो पता है कि भाई अगर मैं सर्विस सेंटर ना भी ले जा पाया तो मेरे जो गली मोहल्ले का या जो मेरे घर के आसपास की जो लोकल मैकेनिक की मार्केट है वहां तक मैं इसको धक्के मार के भी ले जा सकता हूँ और वहां पे जो ये इजीली रिपेयर भी हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि भाई आप जो है इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में जो है तलाशो, ना कि ऐसे प्रोडक्ट पे जाना जो कंपनी ऑफर निकालती है कि आ जाइए ये ले जाओ वो ले जाओ, हमने जो इस मॉडल पे 7,000 का 10,000 का डिस्काउंट दे दिया
तो ऐसे मॉडल की तरफ जो है भाई ना जा करके आपको उन्हीं मॉडल्स के ऊपर जाना चाहिए जो कि आपके आसपास या जो आपकी लोकल मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स को भाई यहाँ पे परचेज करना चाहिए। और आप जो है अपने वहां के जो है भाई लोकल मैकेनिक से वो सलाह मशवरा भी कर सकते हो। मोस्टली दोस्तों अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में हो या दिल्ली जैसे और भी जो इंडिया के कई बड़े शहर है उनमें भाई मोस्टली जो आपको आपके आसपास के एरिया में लोकल मैकेनिक के भाई बड़े बड़े गैराजेस या फिर जो शॉप्स वगैरह वो आपको देखने को मिल जाती है। इन केस आप किसी गांव देहात से बिलोंग करते हो और वहां पे आपको जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपको मार्केट वगैरह नहीं मिलती भाई सेकेंड हैंड इसकी रिपेयर वगैरह की मैकेनिक की शॉप्स, तो भाई देखो हर एक एरिया में कोई ना कोई मैकेनिक तो भाई ऐसा होता ही है, किसी ना किसी मैकेनिक की ऐसी शॉप तो होती है जो ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही लेकिन वो रिपेयर करना जानता होगा और उसका उस एरिया में भाई अच्छा खासा डोमिनेंस भी होगा। तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई आपको मैकेनिक नहीं मिलेंगे, तो आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो क्योंकि वो भी आपको जो है ये चीज का एकदम अच्छे से आइडिया दे देंगे, एकदम अच्छे से आपको बता देंगे कि भाई आपको कौन सी कंपनी के मॉडल पे जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की और भी वीडियोस आप लोग के लेके आऊँ, इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ में जो अभी भी कंफ्यूज है कि भाई मुझे कौन सा बाइक या कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपके एक शेयर से जो है वो लोगों का जो है डिसीजन बनने में उनको थोड़ी आसानी आ जाए जिससे वो अपनी मनपसंदीदा बाइक या स्कूटर को परचेज कर पाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।